हेलो गाइस, देख रहे हो कि कितना ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। और इस बारिश के सीज़न पे अभी हम लोग जाने वाले फिशिंग करने के लिए। और मेरे साथ है सुब्रजीत, हम लोगों ने अम्ब्रेला वगैरह ले लिया है और नेट लेके जाते हैं और रेस्क्यू वाले ऑपरेशन पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे हमें क्या क्या फिश मिलता है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि मैं घर से निकल रहा था और मेरे कॉलोनी के आगे जो हुआ है ये देखो, पानी भर कर। कहाँ जाएंगे रे आज रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो पूरा पानी भर गया होगा, कैसे फिश पकड़ेंगे फिर वहाँ पे। वाव, मजा आ रहा है। हेलो दोस्तों, तो आ चुका हूँ मैं उसी लोकेशन पे जहाँ पे सुब्रजीत देखो ये फिशिंग कर रहा है। और यह रेस्क्यू लोकेशन, यह हमारा दूसरा रेस्क्यू लोकेशन है और यहाँ से हम लोग खूब सारे मछलियाँ पकड़ने वाले हैं। क्योंकि गाइस बारिश तो हुई है, लेकिन आपको मैं दिखा दूंगा। उसके पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ गाइस, आप वेदर देखो, अभी अभी बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, आपने देखा कि बहुत पानी हो गया है। और यहाँ पे देखो, बारिश होती है तो फिर हमारा ये जो प्लांटेशन है, मतलब कि जो राइस प्लांटेशन है, वो काफ़ी बढ़िया होता है। अभी मैं आपको पीछे का एक नज़ारा दिखाता हूँ, आप खुश हो जाओगे। मैंने पूरा जूम किया हुआ है और आप पीछे माउंटेन्स में क्लाउड्स देखिए। और ये माउंटेन्स यहाँ से सिर्फ बहुत ही सामने है, ये यहाँ से ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर होगा या फिर 1 किलोमीटर होगा। मतलब कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से बहुत ही ज़्यादा पास है, आप देख पा रहे हो, क्लाउड्स देख पा रहे हो, पूरा माउंटेन्स पे नीचे क्लाउड्स है। कैसा लग रहा है ये नज़ारा बताना ज़रूर। इसने यहाँ पे ऑलरेडी शुरू कर दिया है, तो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि रेस्क्यू लोकेशन क्यों है। इतना बारिश होने के बाद भी यहाँ पे देखो पानी ज़्यादा जमा नहीं है, तो यहाँ से हमें कुछ मछलियाँ पकड़ के लेके जाना है। गाइस कुछ कारणवश हम लोगों ने प्लान चेंज कर दिया, और वो क्यों प्लान चेंज किया मैं आपको बाद में बताता हूँ। चलना है तेरे को अभी? चलते हैं, पहले हम दूसरे वाले लोकेशन पे चल रहे हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं एक्चुअल रेस्क्यू वाला जो प्लेस है, हमने फर्स्ट जब स्टार्ट किया था वहाँ पे, क्योंकि सुब्रजीत ने मुझे इतना परेशान किया, उसने बोला कि वहाँ पे मुझे नहीं पकड़ना है, आप मुझे वहाँ लेके जाओ, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए और सुब्रजीत मेरे साथ, एक्चुअली मैं नहीं फिशिंग कर सकता, इसलिए वो बोल रहा था कि यहाँ पे लेके आओ, इसलिए उसका हाई डिमांड लोकेशन पर हम आ चुके हैं। तो लेट्स सी, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये बंदा ऑलरेडी चला गया है और ये हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन का लोकेशन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ से इस बार थोड़ा बहुत जो है ये खुल गया है और पानी यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है, देख पा रहे हो। और पानी बहुत ज़्यादा अभी धुंधला है क्योंकि अभी भी बारिश हुई है गाइस, और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी ना इसके वजह से। आई थिंक बारिश होने की वजह से थोड़ा पानी आ गया है, बट फिर भी हम चेक करते हैं यहाँ पे। मैंने उधर ही देखा है, वहाँ पे ट्राई करके देखो कॉर्नर पे। हाँ, नीचे से लेना, बारिश वगैरह तो मिलना ही चाहिए। लेकर लेकर देखते हैं। हाँ, मैंने बोला ना, ओके और कुछ नहीं, और ढूंढ, मैं लेके आ रहा हूँ ये बकेट, लेके आ रहा हूँ। तेरे से नहीं होता, मैंने उठाती ही देख, कैटफिश देख और ये डॉट देख, देख कैटफिश देख, उठाती ही देख। वाओ, इसमें एक डॉट भी है, वे बढ़िया वाला कैटफिश मिला है। और देखता हूँ और भी रहेगा, बहुत सारे होंगे, डालते तो इसको कभी और होगा। वो कैटफिश बहुत ही सुंदर है, जिसको टेंगरा माछ बोलते हैं। हाँ मस्त है वो, है ना उसका। यहाँ पे दिखता और क्या है, बैरिश वगैरह है क्या? सुन ना, इधर पे मैंने बहुत ज़्यादा देखा था। हाँ ट्राई कीजिए एक बार, रुक एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। अरे आराम से, मैं भी देखा था। आई थिंक यहाँ पे ये वाले हैं। पूरा पूरा वहाँ से गया, वहाँ से गया उस साइड पे चला गया, उस एरिया पे। मैं यहाँ पे देखता हूँ, पक्का वो है को बैडिश। लोच वगैरह किधर है आज? सब भाग गए। पे आया है तो मैंने एक फिश देखा, यहाँ पे टेनियोस आया छोटा सा, ले ले टेनियोस। और भी कुछ है यहाँ पे, कहाँ पे? ये रहा, क्या मिला दिखा था एक बार मुझे। एक अभी अभी मैंने एक बड़ा सा डेनियोस पकड़ा, कोई भी है। और हमारा वो कैटफिश भी है ना। हाँ। ये छोटा वाला डेनियोस, आप ही देखिए बैडिश देख, कितना बढ़िया साइज का बैडिश। दिखा दिखा दिखा, एक मिनट रुक। वाह नाइस नाइस, इसको रख दे। यहाँ पे मैंने और कुछ तो देखा था भाई, ऐसे इस जगह पे काफी बढ़िया बढ़िया फिश है, यहीं पे है इस जगह पे। अभी मैं फिर से करके देखता हूँ, यहाँ पे ट्राई करता हूँ। यहाँ पे, यहाँ, हाँ नीचे से, एकदम नीचे से लेना। हाँ हाँ, नीचे से ले,
ओके अब यहाँ पे देख, यहाँ पे लेके और ट्राई कर कुछ, देख बैरिश वगैरह हो सकता है। फिश तो बहुत है यार, सब भाग रहे हैं। अरे प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये देखो यहाँ पे ट्राई करता। हाँ थोड़ा अंदर से लेने का था बट ठीक है। हाँ बैडिश है, अभी बैडिश दो तीन मिला है, स्कारलेट बैडिश भी है शायद, भी पिंक पिंक दिख रहा है मुझे। चल 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 लेके चल, मैं आ रहा हूँ। अच्छा बैडिश का कलेक्शन तो मेरे पास बहुत हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। एक तो कैटफिश भी मिल गया, मैं दिखा तू बैडिश पहले, पहले देखते हैं पिंक है कि क्या है। अरे यार तू चढ़ जाना हाथ पे। हाँ एक ये स्लाइटली देख, पता नहीं जो भी है। तो और कुछ आ रहा है क्या? ये रही, 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 तीन तीन बैडिश मिल गया। ये रहा एक बहुत ही प्यारा सा देख, वाह तीन यहीं से मिल गया, डाल तू और मिलेगा वहाँ पे। ये वाले प्लांट्स ना बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, मतलब कि ये एक्वेरियम के हॉबी में, पर हमें तो नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा। यहाँ पे उस जगह में बहुत बैडिश है भाई, ट्राई करेंगे फिर से। चल वहाँ पे अगर हम लोग को ये कैटफिश वगैरह मिल जाए और तो मज़ा आ जाएगा। अभी वेदर बहुत अच्छा हो गया है, देख पा रहे बारिश वगैरह कुछ नहीं है। बाप रे चल आगे चलते हैं और यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे तो इस कॉर्नर पे कर सकता ट्राई, यहीं पे। हाँ यहीं पे कर, इसी जगह पे। हाँ अंदर से अच्छे से दिखा दो, इधर ले गया तक। तब मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे क्या क्या फिश मिला हमें आज। ये कैटफिश देखो कितना प्यारा लग रहा है, बारिश के सीजन में मस्त मिला है, सही है। हाँ यहाँ पे कर सकता है, ये अच्छा जगह है। ओ बैडिश आ गया ना, मुझे पता था। अबे बहुत ज्यादा जंगलों के बीच में ही बैडिश रहते हैं। अरे एक्चुअली कलर बहुत वो रहता है ना, तो पक्का पैसे। पक्का क्या मिला है? वाइल आपको मुझे एक अमेजिंग चीज दिखा था, ये देखो पॉन्ड पूरा व्हाइट वाटर लिली से भरा हुआ है। मुझे जब भी चाहिए मैं तब भी ले सकता हूँ, देख पा रहे हो पूरा व्हाइट कलर का। व्हाइट वाले बहुत आसानी से नहीं मिलते आजकल, तो यहाँ पे तो पूरा व्हाइट का गैंग है। कितने होंगे यहाँ पे यार, हजार हजार। तो ये एकदम इसी के पास है, देखो यहाँ पे ये रेस्क्यू फिशिंग कर रहा है और इस साइड इस पॉन्ड में इतने सारे व्हाइट वाटर लिलीज है। चल अभी हो गया, तू खुश हो गया? नहीं, और यहाँ पे करना था ना, तुमको मिल गया। दिखा सामने से, दिखा 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 दिखा, रुक 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 रुक, वाओ नाइस। ये दिख रहा है बीच में इनका जो एक पैटर्न है, ये काफी अच्छा लग रहा है मेरे। तो रुक 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 दिखा दिखा दिखा। हाँ ये जो डॉट है ना, ये काफी ब्यूटीफुल और लाइनिंग देख। चल इसको डालते हैं यहाँ पे, डाल डाल दे इसे, ट्राई करके देख इस जगह पे। यहाँ पे ही रहता है कैटफिश बहुत ज्यादा। पैडिश रह सकता है अंदर से लेने का था ना, लिया अंदर से तो लिया ही नहीं तूने शायद। ठीक है चल जो भी है। चलो गाइस खुशी इस बात की कि दो कैटफिश मिल गए और बैडिश तो मिले और बाकी छोटे मोटे फिश मिले हमें। एंड गाइस ये रेस्क्यू वाला लोकेशन है जहाँ से हम लोग को इतना फिश भी मिलना काफ़ी बड़ी बात है, राइट? तो ये हम लोगों ने ले लिया है, दिखाता आप लोग कौन कौन सी फिश हमें मिली है। साहब कितने फिश पकड़ लिए दिखाओ, इधर दिखा पहले हमारे पास यहाँ पे। हाँ ज़्यादा तो नहीं है लेकिन दो कैटफिश है, उसके बाद हमारे पास और क्या है, ये बैडिश है काफ़ी सारे और कुछ हमारे पास यहाँ पे डैन्यूज वगैरह है। जो भी है इतना तो मिला है ना, इतना काफ़ी है क्योंकि आज हम लोग बहुत लेट निकले थे और रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है हमेशा जब भी हम लोग आते हैं। बहुत लोग हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन पसंद भी है, हमारा लोकेशंस बन रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। क्योंकि देखिए गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, तो गाइस रेस्क्यू लोकेशंस वो लोकेशंस होते हैं, रिवर नहीं हो सकता वो, ठीक है, या फिर तो कोई पॉन्ड नहीं हो सकता, वो सब रेस्क्यू लोकेशन हो ही नहीं सकता। रेस्क्यू वो लोकेशंस होते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, मछलियाँ आती है बारिश के वक्त और फिर सूख जाता है, मछलियाँ मर जाती है, वैसे लोकेशंस को हम रेस्क्यू लोकेशन बोलते हैं। वैसे हम फिश लाते हैं बट कहीं ना कहीं रिवर पे भी हम जो फिश पकड़ते हैं वो भी एक तरीके का रेस्क्यू है कि हम ना पकड़े तो कोई और आकर पकड़ के सुखा लेगा, पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पकड़ते हैं और उनको सेव करते हैं। एनीवेज गाइस आज का वीडियो इतना ही, हम कुछ और नए वीडियोस लेके जल्दी वापस आते हैं। हम लोग कब जाएंगे? मंडे। हाँ मंडे को नए लोकेशन सर्च कर रहे हैं, देखते हैं।